हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल। आज मेरा ये ब्लॉग है, मैं अभी कोहिमा पे हूँ, ठीक है। मैं आपको कोहिमा का थोड़ा नज़रे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आगे में देखिए आप लोग क्या क्या है। ये अभी मैं ब्लैंकेट, इधर ज़्यादातर ब्लैंकेट मिलता है, ठीक है, ब्लैंकेट मार्केट सेकेंड हैंड का, तो इधर ही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। अभी स्ट्रेट क्या बोलता है ये NST मतलब बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड है कोहिमा का, मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप लोग को दिखा देता हूँ कोहिमा का NST। जंक्शन NST नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे डिमापुर से जो भी टैक्सी, जो भी मतलब नागालैंड स्टेट का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, सब आके ये मेन पार्किंग है NST, तो इधर ही मतलब स्टॉपेज है, ठीक है। दूसरा भी है लेकिन भी मतलब ये मेन जंक्शन है स्टॉपेज का, इसलिए मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेन स्टॉपेज। आप लोग भी देख लीजिए, ये कोहिमा का मेन स्टॉपेज है NST पॉइंट, ठीक है। ये आप लोग बस देख सकते हैं, नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, और थोड़ा आगे में टैक्सी स्टैंड है, मतलब वो रहा, देखें हाँ, ये तो बस है, उसका आगे में ये मेन स्टॉपेज है नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट का। आगे मैं काउंटर, फ्रेंड्स मैं अभी हूँ राजू पॉइंट पे, ठीक है। ये कोहिमा का बीचों बीच मेन मतलब पॉइंट है राजू पॉइंट, ये देख सकते हैं आप लोग। वो सीधा रहा बस, सिटी बस, मतलब सिटी बस का स्टैंड, और ये ऊपर है राजू पॉइंट का फ्लाईओवर ब्रिज, फुटपाथ ब्रिज, फ्लाईओवर का फुटपाथ ब्रिज है राजू पॉइंट का, ओके। कोहिमा तो है नागालैंड का कैपिटल, तो इसलिए इधर मतलब दिमापुर से कुछ ज़्यादा ही मतलब डेवलपमेंट है, कोना में होने से भी ना, क्योंकि कैपिटल है, डेवलपमेंट तो होगा ही, छोटा सा है फिर भी इधर दिमापुर से तो अच्छा है, बिल्डिंग विल्डिंग क्या क्या है सब मतलब ज़्यादा है, मतलब फैला हुआ है, मतलब देख ही सकते हैं। देखिए मेरा काम है थोड़ा, इधर इसलिए आया था और आप लोग को भी इसलिए दिखा देता हूँ। मेन मार्केट कोहिमा का सबसे पहले NST से, NST का बाद मतलब मेन मार्केट आता है कोहिमा राजू पॉइंट। वो स्ट्रेट जाने से हाई स्कूल जंक्शन, क्या बोलता है IIT, सब कुछ मिल जाएगा, और इधर से जाने से PR हिल, ये सब कुछ मिल जाएगा, लोकल ग्राउंड, DC कोर्ट, सब कुछ इधर से मिल जाएगा। इधर ऑटो नहीं है, इधर टैक्सी मिलता है सिर्फ, मतलब हिली एरिया है ना, सब आप मतलब सब आप पे ही उठना पड़ता है, तो ऑटो तो नहीं आ सकते है ना, इसलिए इधर सिर्फ टैक्सी ही मिलेगा आप लोग को। हाँ, दिमापुर से थोड़ा महंगा होता है इधर, फिर भी आपको इधर जो पैसा आप दे रहे हो सेटिस्फेक्शन हो जाओगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो और बाद में फिर से आपको ब्लॉक में मिलेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं, कीप इन टच। आप भी आना चाहेंगे चैनल पे? आ जाइए, क्या है इसमें? आप भी फिर चैनल पे आ जाइए। आई भी ना मुझे टानी तो अपने नाम सब को भी इस जगह का नाम को भी सुपर मार्केट कोहिमा सुपर मार्केट। मेरा नाम मैनेजर शाह, मैनेजर शाह नाम बा। अच्छा और बोलिए, आप कितना दिन से है? हम 36 साल। 36 साल हो गया इधर। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? दुकान सब्जी दुकान। अच्छा, सब्जी का अच्छा चलता है ना इधर? नहीं चलता है, पहले लॉकडाउन हो गया इसलिए तो थोड़ा सब का मंदा चलता है। अच्छा, लॉकडाउन के बाद मंदा हो गया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी आ जाएंगे, मैं आपका भी ले लिया शूट। ठीक है, इसका भी लीजिए ना। इसका भी ले लिया था अभी। हम लोग फिल्म में जाएगा कि नहीं? आप मोबाइल दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा। मोबाइल मेरे पास नहीं है। उधर पे आ जाएगा इसका। है इसका है, इसका डाल दो। ठीक है जरूर डाल दूंगा। अब आएंगे, आ जाओ। नाम क्या है आपका? नीरज। ठीक, मैं अभी कोहिमा में ही हूँ, कोहिमा का होटल में हूँ, जो होटल का नाम है एवरग्रीन। इधर बहुत चीप मिलता है, मतलब रूम आपको अगर रूम चाहिए तो कोहिमा एनएसटी बस जो है, मैं आपको पहले दिखाया था, मतलब एनएसटी कोहिमा का टैक्सी पार्किंग बस स्टॉप उधर पास में ही है कोहिमा एनएसटी। तो उधर से थोड़ा 100 किलोमीटर ऐसा होगा, ज़्यादा भी नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, सॉरी मतलब 100 मीटर्स 100 मीटर कुछ ऐसा दूरी पे आपको ये एवरग्रीन होटल मिलेगा। ठीक है, इधर आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा। पूरा कोहिमा में आप ढूंढ लीजिए, आपको होटल का प्राइस 1000 से ऊपर ही मिलेगा, लेकिन इधर आपको एक दिन स्टे करना है तो इधर आ सकते हैं एवरग्रीन होटल में। इधर पर नाइट 500 लेता है, पहले था 350, लेकिन अभी 500 हो गया। क्या करें, महंगाई बढ़ रहा है इसलिए 500 हो गया। लेकिन कोहिमा में 500 से अभी तो नहीं मिलेगा दूसरे जगह पे। एवरग्रीन होटल में आप लोग आके स्टे कर सकते हैं, इधर 500 लेता है। और स्नोफॉल ये सब चाहिए तो आप तुंगसांग में जा सकते हैं। तुंगसांग से सबसे पास होगा कोहिमा से, ये जुकू वैली होगा, आप लोग को स्नोफॉल सब कुछ मिल जाएगा, मतलब से नज़ारा मिल जाएगा बजट प्राइस में। ठीक है, तो मैं अभी मेरा रूम पे हूँ। ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं, रूम इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन भी सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल नहीं डबल, आराम से ले रह सकते हैं डबल के लिए। ठीक है, ये रूम आप लोग देख ही सकते हैं। एक आप लोग को छोटा सा टीवी भी मिल जाएगा यहाँ पे, आप लोग अगर नींद नहीं लगता है तो टीवी देख सकते हैं, या जिसको नींद नहीं आता है जो हम लोग जैसा यूट्यूबर है वो एडिट कर सकते हैं अपना काम, कोई बात। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा कमरा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन भी आप लोग देख सकते हैं सब कुछ, मुझे भी देख सकते हैं, ये देखिए।
हेलो फ्रेंड्स, मैं क्या बोलता है वो जोत्सोमा साइंस कॉलेज उधर भी गया था, लेकिन आप लोग को वो मैं दिखा नहीं पाया शूट करके, क्योंकि इधर कोहिमा में ना कभी भी बारिश हो जाता है, हर आधा घंटा दो घंटा ऐसा में बारिश हो जाता है। तो जब मैं जोत्सोमा पहुंचा तो उधर बारिश होने लगा, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा ही नहीं पाया शूट करने के लिए, मतलब बारिश में कैसा शूट करूँ ना, इसलिए नहीं सका। तो फिर अगली बार फिर आऊँगा कोहिमा में, मैं पूरा डिटेल्स मतलब दिखाने के लिए आप लोग को कोशिश करूँगा। इस बार इतना डिटेल्स है नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा काम था, इसलिए काम की वजह से थोड़ा बिजी भी था, इसलिए दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो जब भी मैं आऊँगा आप लोग को डिटेल्स दिखा दूँगा। इस बार जो है इतना वो नहीं है, लेकिन भी कोहिमा का जो भी लोकेशन क्या क्या है मतलब थोड़ा बहुत मैं आप लोग को दिखा तो दे ही रहा हूँ, आप लोग को पता है, आप लोग देख ही चुके हैं वीडियो में जो भी है। तो इसलिए क्या करें, आज का ब्लॉग चलो इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। ओके, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। ओके।